दोस्तों ये है LG का 22 इंच का LED TV है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो। इसमें प्रॉब्लम था, ये जो मैं ओरिजिनल बोर्ड था उसमें रैम का प्रॉब्लम था। मेन चिप को हीट करने से वो ऑन हो जाती थी, स्टैंड बाय से रिलीज हो जाती थी, लेकिन एक दिन दो दिन जो उसको चालू करके रखो तो वो सही चलता है, लेकिन एक दिन दो दिन बंद करके रखने का बाद जब भी इसको ऑन करो वो और स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होता है। तो इस कंडीशन में उसको प्रोसेसर चेंज करने करने से हमको बोर्ड चेंज करना बेहतर समझा, इसलिए मैंने बोर्ड चेंज कर दिया। इसका जो यूनिवर्सल बोर्ड होती है मैंने इधर फिटिंग भी कर दिया। इसके लिए पावर सप्लाई इधर देखो अलग से लगा दिया। पावर सप्लाई से इस पावर सप्लाई में इन्वर्टर बोर्ड भी होती है, वही इन्वर्टर सेक्शन से हम इसको बैकलाइट भी जला दिया। अभी इसको इसको हम दोस्तों इसमें अब मैंने लगभग फिटिंग कर चुका हूँ। अभी इसको मैंने फिटिंग करने के बाद देखा था वो इसका पिक्चर क्वालिटी क्या कैसा है, क्या है क्या नहीं है। इसको हम पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वही टीवी है जिसने मैंने V56U11.2 जो बोर्ड होती है वही बोर्ड लगाया। ये अभी नो सिग्नल दिखा रही है, इसमें मैंने चालू कर रखा है। इस जो पहले जो काम किया था उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इसका अंदर जब हम बोर्ड फिटिंग कर रहे थे ना ज़्यादा तकलीफ़ आ रही थी। इसमें हम यही से अंदर से फिटिंग किया, और इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये शॉर्ट ना हो जाए, इसका ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है। और फिलहाल अभी ये तो रनिंग कंडीशन में है। इसका मिरर जो भी जो कुछ आया मैंने सेट कर लिया। फिर ये हम दिखा देते हैं इसका लोगो वगैरह। एक मिनट, इसमें देखो ऑफ, ये LG TV में लगा हुआ है, इसको मैंने ऑफ किया। अभी इसको ऑन करूँगा तो इसमें देखो LG का लोगो आएगा। ऑन करूँगा तो LG का लोगो आ जाएगा। ये देखो LG का लोगो आ गया। अभी ये लोगो कैसे सेट होता है, क्या होता है, और इसका अंदर कुछ पर्सनल सेटिंग्स से होता है, जो बिट सिलेक्शन, मिरर, मतलब उल्टी पिक्चर आ जाती है, उसको हम अभी देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अभी क्या करना है, जो रिमोट है इसका साथ ही रिमोट आया था, ये रिमोट का ये मेनू दबाना है। मेनू मेनू 1147 दबाना है, मैंने अभी तक दबाया नहीं। इसमें अभी मैं देखो दबा रहा हूँ मेनू 1147। ये देखो एक विंडो ओपन हुआ। इसका अंदर से हमको कुछ चेंज करने का ज़रूरत होती है ता उस टाइम हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम जाएंगे अभी कितना पिक्चर मोड, हम पिक्चर मोड में जाने का कोई ज़रूरत है नहीं, हमको सिर्फ ज़रूरत पड़ती है पैनल एडजस्ट। इसका अंदर हम जाएंगे, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ओके नहीं करना है, ठीक है। अभी हम इसका अंदर जाएंगे, ओके नहीं करना है। इस साइड का एरो यूज़ करना है, इस साइड के दोनों साइड के एरो यूज़ करना है, ठीक है। इसमें एंटर वेंटर कुछ नहीं यूज़ करना है। हम इधर गया, अभी इधर बैक लाइट मैक्सिमम क्या हुआ है, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें तो 5 वोल्ट आने से वो बैक लाइट ऑन होता है, उसमें बैक लाइट अलग से लगा हुआ है। इधर हमको ये इसका बिट सिलेक्शन को इसको चेंज करना पड़ता है, कभी कभार बिट सिलेक्शन मैच नहीं होता है तो, और चेंज करना पड़ता है। ये मिरर अभी ऑन है दोस्तों, इसको अभी हम ऑफ कर दे तो क्या होगा। इसमें अभी तक देखो ऑन दिखा रहे, इसमें और एक बार दिखाएगा तो ऑफ हो गया, लेकिन पिक्चर देखो उधर चला गया, उल्टा हो गया, मतलब मोबाइल हमको घुमाना है। देखा ये जो है ये होती है, अगर कभी आ जाए तो इसको ये जो मिरर ऑप्शन है इसको ऑन करना है, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद इससे बैक के जाने के लिए हमको मेनू प्रेस करना है, ये आ गया। और इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ये मिरर ऑप्शन का प्रॉब्लम आती है और बिट सिलेक्शन का आती है, यही आती है, और तो प्रॉब्लम इसमें आता नहीं है। अगर इस पे इस बोर्ड कहीं पर भी सेट कर रही हो और कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप पूछ सकते हो।
हम जरूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमको 1000 मतलब 1K सब्सक्राइबर जिस दिन कंप्लीट होगा, उसका बाद हम ये एलईडी टीवी के बारे में जितना का जितना फॉल्ट आती है उसको कैसे सही करना है, कैसे नहीं करना है, क्या पोजीशन में होगा, कौन सा पोजीशन में नहीं होगा, वो पूरा का पूरा हम डिटेल्स में बात करेंगे। और जो हमारे पास काम आएगा उसका हर काम का हम वीडियो देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो और एक बात बताना भूल गया, मैंने तो वीडियो ऑफ कर दिया था। फिर हम और एक जानकारी देने के लिए इसको वीडियो शुरू किया। इसमें हमारा कुछ जो लोगो या भी एलजी में एलजी करना है, और अगर ये सैमसंग में है तो सैमसंग करना है। इसमें जो लोगो सेट करना होता है, इसमें जाना है स्पेशल सेट में। स्पेशल सेट में जाने का बाद इसको वही राइट साइड का एरो प्रेस करना है। अभी देखो क्या है, इसमें पावर ऑन लोगो बोल के जो लिखा है, इसमें एलजी क्या हुआ है। हम अगर इसमें एलजी को इधर वो सैमसंग आया, सोनी आया, तो जीवा कुछ भी, इसमें कौन सा कंपनी का लोगो चाहिए आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने सैमसंग का लगा दिया। अब इसको मेनू प्रेस करते, इधर देखो सैमसंग ही लिखा है। बैक करके आऊँगा मैं, आने का बाद इसमें क्या करूँगा, ऑफ कर दूँगा। ऑफ करने के बाद फिर इसको जब हम ऑन करें, उस टाइम सैमसंग का लोगो आना चाहिए। ये देखो दोस्तों, सैमसंग का ओरिजिनल जो लोगो है वो लोगो आ चुकी है। मतलब इसमें सेट करके पार्टी को दे दो तो पार्टी थोड़ा खुश हो जाता है कि हमको सैमसंग का लगा दिया, हमारा एलजी टीवी है तो एलजी का लगा दिया। कुछ भी सोच सकता है पार्टी। पार्टी का थोड़ा वो क्या है, पैसा लेने का चक्कर अच्छा होता है, सही है ना। इसमें जब भी देखो सैमसंग का होता तो हम सैमसंग लोगो लगा देते, अभी एलजी का फिलहाल हम फिर से इसको एलजी में एलजी का लोगो लगा देंगे हम। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ धोखा दे के पैसा ले लेते हैं, ठीक है। हम तो ऐसे नहीं है जो किसी को धोखा दे के पैसा ले ले, क्योंकि हमको ज़िंदगी भर ये काम करना है, ठीक है। इसको स्पेशल सेट में जाना है, इसमें सिंपल सा काम है, इसमें जब भी एलजी आ जाए उस टाइम रख देना है। अभी एलजी है, ठीक है, मेनू प्रेस कर रहा हूँ, बाहर आ गया। इधर देखो पावर ऑन, इसका मतलब क्या है, इसमें अगर ऑफ कर दो तो क्या होगा, इसमें ऑफ कर दो तो क्या होगा। ये करेगा तो तुमको जब भी ये टीवी पावर दोगे वो ऑन नहीं होगा, जितना टाइम रिमोट या की प्रेस नहीं करोगे उतना टाइम ये ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करके रखोगे तो ये जो भी कंडीशन में है, अगर ये रिमोट से ऑफ करो और ऑफ करने के बाद लाइन दे दो, लाइन डिस्कनेक्ट करके दे दो, ये ऑन हो जाएगा। और अगर इसमें रख दो तो इसमें क्या होगा, इसमें तुमको जैसे कि रिमोट से बंद किया हो तो रिमोट से चालू करना है, और पावर ऑफ करके चालू करोगे तो पावर ऑफ पावर देने से चालू हो जाएगा, ऐसा सिस्टम आता है। तो हम फिलहाल इसको ऑन कंडीशन में रखेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होती है, रिमोट टूट जाता है, काम नहीं करता है, उस टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी तो हर बंदा तो क्या है, यो सेटअप बॉक्स यूज़ करते हैं, उसका रिमोट से काम चल जाता है। सिर्फ इसको ये भी मूड आई, अभी जो भी मूड हो तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके रहता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, इतना ही कहना था। और इसका पिक्चर बगाड़ा, एलजी का लोगो की तरह भी आ रही है, देखो इसमें एलजी की तरह भी आ रही है। एलजी जैसे आता है एलजी का ऐसे ही दिखा रही है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।